हेलो एवरीवन, मैं तकेशी और मेरे साथ मेरे पापा हैं आज, एके मिस्टर सौरन बनर्जी। तो आज हम जनरेशन गैप को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसीलिए कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूं अपने पापा से, जो आप अपने पापा से पूछने में या तो डरते हैं या तो घबराते हैं। शुरू करते हैं फिर। तो मेरे पास क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट है कि मैं क्या क्या पूछने वाला हूँ। ये मैंने इसलिए बना लिया है ताकि अगर वीडियो के बीच में मैं कुछ गलत पूछ लूँ और पापा अगर गुस्से से मार दे, तो ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। तो कंप्यूटर जी, पहला सवाल पेश किया जाए सबके स्क्रीन पे। आपके अकॉर्डिंगली डेट करने का परफेक्ट एज क्या होना चाहिए? डेट करने का कोई परफेक्ट एज तो होता नहीं है, फिर भी एक एडल्ट एज में ही करना चाहिए, टीन एज में नहीं। और एडल्ट तब जब वो दोनों अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कमाना शुरू करे, ये करे अपना दोनों, कम से कम लड़के जो है वो अपना फुल कॉन्फिडेंस ये करे कि हम आगे डेट करने के बाद आगे हम कुछ करना चाहता हूँ एक आध साल में, तब ही वो करना चाहिए। इसका कोई एज नहीं होता है, जब भी मर्जी हो तब भी डेट करो। एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। वैसे बताना चाहूंगा कि ये सवाल काफी ज्यादा नॉर्मल था, आगे आगे जैसे सवाल बढ़ते जाएंगे इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन सभी के सामने कि लड़कियां जो छोटे कपड़े पहनती हैं, स्कर्ट्स हो गया, हॉट पैंट हो गया, ठीक है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, आजकल ड्रेस के ऊपर, पोशाक के ऊपर काफी फैशन, जितना देश तरक्की करता है वो उसका साथ साथ ये सब चीज डेवलप करते जाते रहते हैं। जो इकोनॉमिक एक समय थे, हम लोग का समय में इंडिया का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था और आज का दिन में बहुत अंतर, बहुत फर्क हो गया। देश उस समय जितना एजुकेटेड थे अभी बहुत ज़्यादा हो गया, तो हर एक चीज़ में डेवलप किए। उस समय के पैसा नहीं था, आदमी के पास पैसा नहीं होता था, जेब में पैसा होगा तभी तो वो परचेस करेंगे। तो ये सब मामले में बहुत ज़्यादा तरक्की किए हुए हैं, उसका साथ साथ ये फैशन आ रहा है ड्रेस के ऊपर भी, हर एक चीज के ऊपर फैशन डेवलप किया हुआ है। और जहाँ तक शॉर्ट्स या हॉट पैंट या वगैरह पहनने का बात है, ये कंफर्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर सोचता है कि ये मैं कंफर्ट, ये कपड़ा पहनने के बाद कंफर्ट फील कर रहा हूँ, तो पहन सकता है, लेकिन वल्गैरिटी नहीं होना चाहिए। कोई भी कपड़ा आप पहनिए, आपको देखने में खराब लग रहा है तो वो तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ एक पर्सनल क्वेश्चन कि कैसे पूछूं आपकी पहली गर्लफ्रेंड कब बनी थी? नहीं, पहली कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो था नहीं, क्योंकि अच्छा। मैं एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते थे, मेरा पिताजी बड़ी सख्त किस्म का आदमी थे और डिसिप्लिन जबरदस्त था उनका अंदर, और वो सुबह 5 बजे जगना, शाम का अंधेरा होने का पहले घर आ जाना, स्कूल लाइफ में का बात कर रहा हूँ, कॉलेज लाइफ में तो चलो उसमें रिलैक्सेशन था क्योंकि कॉलेज दूर होता था, वहाँ से आने के वेला अंधेरा भी हो जाता था। और उस ज़माने में ट्यूशन पढ़ते थे, टाइपिंग सीखने जाते थे, शॉर्ट हैंड सीखने जाते थे, तो ये सब मामला था। तो उस समय तो नहीं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट इसमें थे। और मैं जहाँ बचपन बिताया हूँ कलकत्ता का, वो अपना वहाँ एक बहुत अच्छा क्लब था और हमारा अपना फ्रेंड सर्कल भी जबरदस्त थे। कल्चरल चीज के साथ हम लोग पूरा इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, कल्चरल प्रोग्राम में एनुअल फंक्शन क्लब का, रविंद्र जयंती, नजरुल जयंती, 15 अगस्त वगैरह वैराइटीज अपना प्रोग्राम में थे, अपना क्लब ग्रुप थिएटर भी था, तो हम लोग सब इसी का अंदर सब वो सब बिताते थे। ऐसे सब सोचने का हम लोग को टाइम ही नहीं था। फिर जब सर्विस लाइफ आया तो हम बाहर चले गए, यूपी चले गए, और वहाँ हमने जबरदस्त मेहनत की सर्विस में, लाइफ में तो टाइम ही नहीं मिलता। उस टाइम तो आप फैक्ट्री में थे, ऐसा फैक्ट्री में थे तो फैक्ट्री में लड़कियां का बात नहीं है, सुबह 8 बजे जाते थे, रात 8 बजे 9 बजे आते थे, और विदाउट एनी रेस्ट डे। पहला ये जो था हमारा 7-8-10 साल था, वो विदाउट एनी रेस्ट डे हम लोग इस टाइप के करते थे। फिर उसका बाद तो अपना शादी हो गया। और इसी से मिलता जुलता एक और सवाल ये सबके लिए है कि मतलब आज के जनरेशन के बच्चों को अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में अपने पेरेंट्स को कैसे बताना चाहिए या फिर कैसे बात करना चाहिए? हम लोग का जो जनरेशन था, यंग जनरेशन, हम लोग जो यंग थे
उस जनरेशन में और आज का यंग का जनरेशन बहुत जबरदस्त अंतर आ गया है। हम लोग तो एक तो कंजर्वेटिव फैमिली में ये करते थे और उस जमाने में इतना ये सब था भी नहीं। और आज का जमाना में क्या है, बच्चे को पिता माता बहुत लार प्यार से उसको देखभाल करते हैं, फिर थोड़ा सा बच्चे जब बड़े हो जाता है तो अब दोस्त बन जाता है। अब दोस्त बनाना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सख्ती रखना नहीं चाहिए, उसको समझाना चाहिए, दिमाग से समझाइए बच्चे को, बच्चे को गलत रास्ता ना अपना है। बच्चे आए, बच्चे के साथ आप फ्री फ्रैंक रहिए और बच्चे को उतना मौका दीजिए कि वो भी फ्री जो भी बाहर करे वो आपको आके डेली शेयर करें। आपको लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या लगता है? नहीं, इसके बारे में हमको तो ठीक नहीं लगता है। अब इंडिया में बहुत ज़्यादा है भी नहीं, यंग पॉपुलेशन की हम खाली जोड़ लेते हैं तो अगर 35 करोड़ है उसमें कितना होगा, 35,000 भी नहीं होगा, लेकिन तब भी 35,000 भी नहीं होगा हमारे हिसाब से। लेकिन तब भी तो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है, क्योंकि वो डेटिंग करते करते वो मौका नहीं मिलता है या वो दूसरा को पहचान जानने के लिए भी ये सर लिविंग ये आ जाते हैं। तो ये इस समय में तो कोई बुरा नहीं है मेरा हिसाब से। फिजिकल इंटीमेसी के लिए सही एज क्या होता है? परफेक्ट एज क्या है, जब गवर्नमेंट का रूल्स है, एज पर रूल लड़कियों का 18 साल और बॉयज का 21 साल है, उसका बाद ही होना चाहिए, उसका पहले तो होना नहीं चाहिए। मैं मेरा हिसाब से शादी के बाद ही ये होना चाहिए, शादी का पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का कल्चर जो है और वेस्टर्न कल्चर के बहुत ज़्यादा अंतर है। अब वेस्टर्न कल्चर के इंडियन कल्चर में अभी भी ये चीज एक्सेप्टेबल उतना नहीं है, भले ही गवर्नमेंट का रूल्स से कुछ अलग हो, मेंटली हम लोग उतना अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है और उसमें टाइम लगेगा। हाँ, उसमें अभी टाइम लगेगा। और मेरा हिसाब से इसीलिए मेरा भी अभी भी सोचना ये है कि आफ्टर मैरिज ही फिजिकल इंटीमेसी होना चाहिए, उसका पहले नहीं। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं स्मोक करता हूं या फिर ड्रग्स लेता हूं? वैसे तो मैं नहीं लेता, आपको पता है कि मैं कोई भी ड्रग्स नहीं करता, लेकिन अगर आपको बताया मैंने आके किसी दिन कि पापा मुझे ये लत लग गई है, तो आपको कैसा लगेगा? अब मेरा हिसाब से ये कोई भी पेरेंट्स को, उसका बच्चे अगर ड्रग्स लेते हैं या स्मोक करता है कर रहा है, कोई भी टाइप का नशा नशेली चीज इस्तेमाल कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। कारण भले अगर उसका पिताजी अगर मान लो कोई सिगरेट पीते हैं या ड्रिंक करते हैं पिताजी, वो नहीं चाहेगा जो उसका बच्चा करे, क्योंकि ये चीज़ तो अच्छा है नहीं, हेल्थ के लिए अच्छा है ही नहीं। और जब तुम्हारा मेन चीज है तो हेल्थ, सब कुछ डिपेंड करता है हेल्थ। आपका पास पैसा हो तो, आपका पास पैसा थोड़ा बहुत है तो, आपका पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो, हेल्थ ही मेन है, हेल्थ ही वेल्थ है। तो सोचो, सीधा बात ये है कि कोई भी टाइप का ड्रग्स किसी को भी लेना नहीं चाहिए। अच्छा, इसी के साथ मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि अगर मैं कभी ड्रंक घर पे पहुंचा, मतलब बिल्कुल पी के, और इतना कि मैं चलने के भी हालत में नहीं हूँ, और अगर आपने गेट खोला तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस टाइम पे मुझे देखने के बाद? वो तो खराब तो लगेगा ही, क्योंकि वो नेचुरल चीज है नहीं। जैसा कि हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसा ड्रंक का बात छोड़ दो, तुम घर में डेली आते हो, ऑफिस से आ रहे हो या कोई काम से आ रहे हो, तुम नेचुरली जिस जैसे हालत में आते हो, किसी दिन लड़खड़ा के आओ, हाथ में एक बैंडेज हो, सर पे एक बैंडेज, तो भी चौंकेगा। जब इसमें चौंक सकते हैं तो एक बच्चे जब ड्रिंक करके आएंगे तो उसके ऊपर तो नाराजगी होगा कि नहीं, वो तो बात का है, पहले तो सोचेगा कि क्या मामला हो गया, फिर नाराज होंगे। तुम्हारा अगर गलत टेंडेंसी से हुआ या कोई कारण से हुआ या जबरदस्त कोई ऐसा कोई पार्टी है, कोई दोस्तों ने गलत तरीके से पिया, वो समझेंगे। अगर तुम जानबूझ के किया तो नाराज होगा ही। अगला सवाल ये थोड़ा सा सिंपल है लेकिन सबके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा शायद, कि अगर कोई अपने करंट जॉब में काफी ज्यादा खुश है, अपने करंट करियर में, और अगर उसको अपना पूरा करियर ही स्विच करना है, तो वो इस चीज को अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करे या फिर कैसे बताए? स्विच जो कर रहा है, जो पेरेंट प्रेजेंट जॉब है, सर्विस है या जो भी प्रेजेंट में कर रहा है और वो उससे बेटर में जा रहा है, पहले तो इतना समझने की जरूर कोशिश करेंगे वो बेटर है कि नहीं।
तुम तो अगर करते हो तो मेरा अंदर अगर ऐसा बहुत सारे ये है जो जो चीज में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, अब वो उसमें जा रहे हो, तुम हमको ठीक कायदे से तरीके से अगर समझा हो सकते हो, यहाँ पापा ये इसमें ये नहीं है, इसमें अभी तो फिलहाल हो सकता है बेटर ना हो लेकिन फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, तो हम मान जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम अभी बड़े हो गए हो, तुम एडल्ट हो, अपना डिसीजन तो तुमको खुद लेना पड़ता है, ऑफिस का अंदर तो पूरा डिसीजन तो तुम्हारा ही रहता है, हमारा तो रहता नहीं है, हम तुमको थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं जो ऑफिसर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कॉलीग का साथ क्या बिहेव करना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड का साथ कैसे बिहेव होना चाहिए, या टॉप ऑफिसर्स के साथ क्या बिहेव होना, ये इतना थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, बाकी तो तुमको डील करना पड़ेगा, और तुम डील करते ही हो तो उसमें तो मानना ही पड़ेगा, हर एक पेरेंट्स को मानना चाहिए। अगला सवाल कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि पापा मैं स्ट्रेट नहीं मैं गे हूं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? देखो ये गे चीज आज का नहीं है, ये बहुत साल पारंपरिक बहुत साल से चले आ रहे, पहले कोई ना मीडिया था ना कोई दिमाग लगाने वाले थे, या अगर कोई सुनता तो हंसते थे, एक जमाना था जब हम लोग बहुत छोटे थे उस समय सुनते थे जो फलाना पंजाब में ऐसा है, बिहार में ऐसा है, फलाना जगह में ऐसा है, या इंडिया में कलकत्ता में भी कभी कभी सुनते थे, लेकिन वो ठीक है आज का जो गे है और उस जमाने में जो मैटर था वो तो अंतर था, आज का जो गे है ये अननेचुरल जैसा नेचर होता है उसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप का मिल जाता है तो वो एबनॉर्मल बोला जाता है उसको, मेरा हिसाब से ये एक एबनॉर्मल चीज है, क्योंकि एनिमल्स मूव ओनली फूड एंड सेक्स, सीधा बात तो ये है, वो एनिमल्स का एक हाई लेवल का अंदर हम लोग आए हैं, एवोल्यूशन होते 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 हम लोग आए हैं, अब इसमें क्या है हम लोग अगर तो प्रजनन कैसे बढ़ेगा आगे का, ये कैसे बढ़ेंगे, ये चीज तो ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, और मेरा हिसाब से ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, हाँ भले ही गवर्नमेंट का रूल्स, क्योंकि हर एक इंसान का अपना जीने का तरीका अलग होता है, वो उस तरीके से कोई चलना चाहते हैं तो उसी गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया है, ये ठीक है तुम अपना अपना जिंदगी अपना जियो, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा के पूरा ही मनुष्य समाज ही चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे लिए, अगर तुम लोग तो मैं तो बहुत दुखी हूँ। आपको मेंटल इलनेस या फिर डिप्रेशन के बारे में क्या लगता है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पापा मैं काफी ज्यादा डिप्रेस हूँ, आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं तो रिएक्शन ये होगा देखो ये तो नहीं, ये भी एक नेचुरल चीज ही है, आजकल बहुत सारे स्टेज में बहुत सारे इंसान डिप्रेस में आ जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि लाइफ पहले जैसे जमाना जैसा रह नहीं गया, अभी बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, और आगे जितना बढ़ते जाएगा समय जितना बीतते जाएगा ये डिप्रेशन का परसेंटेज और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जबरदस्त हर एक चीज में कंपटीशन है, स्टूडेंट लाइफ से बच्चे के जो थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तभी से उसको कंपटीशन का अंदर डाल दिया जाता है, और वो लास्ट तक मेरा हिसाब से वो सर्विस का लास्ट तक कोई भी सर्विस या बिजनेस में जब तक कर सकते हैं तब तक उसको वो कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, तो डिप्रेस का संख्या भी बढ़ते जाएगा, ये सबसे हाल है। सबसे अच्छा चीज ये है कि डिस्कस करो, जो जिसको लगता है जो तुम्हारा सबसे विश्वासी लगता है, दोस्त हो सकता है, मम्मी पेरेंट्स से तो करना ही करना चाहिए, पेरेंट्स का बात, पेरेंट्स अगर उस लाइक नहीं है मतलब आई मीन वो काफी बुजुर्ग हो चुका है या तुम्हारा आसपास नहीं है दूर में रहते हैं, तो नियरेस्ट जितना दोस्त का साथ कॉलीग का साथ या कोई एक्सपर्ट का साथ जाके डिस्कस कीजिए, बात कीजिए जो मैं ये प्रॉब्लम है, और वो हल निकल ही जाता है, बात डिस्कस करते करते अब बहुत ही हो ही जाता है। ठीक है, और एक और सवाल कि लव मैरिज के लिए अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना चाहिए? नहीं, लव मैरिज के लिए तो आज जमाने में ऐसा जमाना आ गया तो उसमें ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, और पहले तो लव करने के बाद ये समझ ले हाँ ये हमारा साथ जिंदगी भर रह सकते हैं, जिंदगी भर हमारे साथ तो एकदम फिट बैठेंगे, ये तो नहीं ये 6 महीना पर टेम्पोरली चीज तो है नहीं, ये परमानेंट चीज होता है, पेरेंट्स को बताया या बड़े भाई को बताया जो अगर पेरेंट्स के बोलने में थोड़ा हिचकचाट है, इसके तरफ तो होना ही नहीं चाहिए, सोचा जाके पेरेंट्स को बताओ जो मैंने ऐसा ऐसा इसको ये है और उसका स्टेटस ये है, तो पेरेंट्स भी डिस्कस करो
और डिस्कस में सब कुछ हो जाता है, ज्ञात जो है उसको कवर करो, नजदीक में जाओ, पिताजी का पास बताओ, मम्मी को बताइए। इसी के साथ आपके सारे सवाल पूरे होते हैं। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, एंड मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में किसी और के। थैंक यू।